समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के निकालने में मदद करने वाले कामगारों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम सरकार से कहेंगे कि जब उन्होंने बचने वालों की मदद की है तो फिर जान बचाने वालों की भी मदद करनी चाहिए। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मैं सबसे पहले इन साथियों को जिन्होंने जान बचाई है इनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूं। कोई कीमत नहीं होती जान बचाने वालों की। आज हमारे साथ यहां बैठे हैं वे अनमोल नौजवान साथी हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान रेड माइनर्स ने काफी मेहनत की थी। रेड माइनर्स के इस जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है और उनकी तारीफ कर रहा है। नरेशोत्तम जी, राजन चौधरी जी और सभी हमारे पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले इन साथियों ने जिन्होंने जान बचाई है मैं उनको बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आदरणीय उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जब पूरा देश खुशी में था तो सोचिए उन परिवारों पर क्या हो गुजर रहा होगा कि जिनके परिवार का मुखिया बचेगा कि नहीं बचेगा, वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसका जीवन संकट में था। जो भी सरकार, कंपनियां या और लोग जो लगे हुए थे जान बचाने में, वो लगातार प्रयास करते रहे और लगभग 17 दिन तक वो कार्रवाई चली। इन साथियों ने जो हमारे साथ बैठे हैं आज मंच पे, इन्होंने जान बचाने का काम किया है। और आपने ठीक ही कहा है कि कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जान बचाने वाले बेशकीमती होते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती, उनका मोल भी नहीं होता, वो अनमोल लोग हैं। आज जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं वो अनमोल नौजवान साथी हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न कर करके जान बचाने का काम किया। मैंने जब एक अखबार पढ़ा और उसमें इनके साथी ने जो कहा था वो लिखा हुआ था अखबार ने कि अकेले हम ये काम नहीं कर सकते थे, अकेले काम ये हम नहीं कर सकते थे, हम लोगों ने मिलकर के ये काम किया है।